हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं नकीब, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग टू वीडियो, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप सबसे एक इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि पूरे दुनिया में जो कोरोना फैल रहा है, ना जाने कितने लोग इसके जाले में आ चुके हैं। जो लोग हमारे साथ पिछले ईद में, पिछले रमज़ान में थे, वो आज हमारे साथ नहीं है, तो इस बात पर हमें अफसोस करना चाहिए। रमज़ान जो हमारा बहुत अहम महीना चालू है, जिसमें हम हमारी इबादतें, तिलावतें, कुरान की तिलावतें, नमाज, तरावी, जिसे हम सख्ती से पढ़ते हैं, और इस महीने में बताया जाता है कि इस महीने में अल्लाह का और बंदों का डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं। जैसे कि रमज़ान की फजीलत में बताया गया है कि ये महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जैसे कि शैतान को इस महीने में कैद किया जाता है। तो हम हमारे रूठे हुए अल्लाह को मानेंगे। तो इस साल का माहौल देखते हैं कि जैसे कोरोना के केसेस हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे, तो मस्जिदें बंद है, तो अभी ऐसा लगता है कि ईद की नमाज़ जो हमें हमारी मस्जिद में नहीं पढ़ने मिलेंगी। अगर ईद की नमाज़ मस्जिद में नहीं पढ़ने मिलेंगी तो हमें खुशी कैसी, तो ये ईद कैसी। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस साल हम ईद बहुत सादगी से मनाएंगे। जो पैसे हम ईद की शॉपिंग के लिए खर्च करते हैं, वो किसी ज़रूरतमंद के लिए, किसी ज़रूरतमंद को देंगे, जिस कारण वो अपने घर का राशन भर सके, किस कारण उसका घर चल सके। तो हमारे प्यारे ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, उस बंदे का ईमान पक्का नहीं जो खुद का पेट भरता हो और उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। और फरमाया कि मदद करते वक्त हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी का है। मदद दिल से किए जाते हैं, और आने वाले कुछ महीने वो बहुत तपिश के रहेंगे। जैसे कि सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने वाले, लोगों के नौकरियां चले जाने वाले, जॉब्स चले जाएंगे, सो हम जो पैसे वो सेविंग करें, और इट्स बेटर नॉट टू शॉपिंग दिस ईयर। और इस साल हम शॉपिंग नहीं करेंगे, ईद हम सादगी से मनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल।